गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट ओलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, खाना खाने के बाद पेट के यहां पर दर्द होना या खाना खाने के बाद यहां पर जलन का भी सेंसेशन आना, ये बहुत कॉमन रीजंस हैं। ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा और इसको एक एक करके साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यह बिल्कुल सच्चाई है कि यह इंडाइजेशन है तो ऊपर की तरफ दिक्कत होगी। अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो भी यहां पर प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको कोई भी फूड इंटॉलरेंस है तो भी यहां पर प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो गॉलब्लैडर में स्टोन हो, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, चाहे एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो जो भी प्रॉब्लम हो वो इस एरिया में होगी जहां मेरा हाथ रखा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉमन कॉजेज हैं जिसके चलते प्रॉब्लम होती है कि आपने कुछ खाया, आपको यहां पर दर्द हुआ या आपको यहां पर भारीपन आया या बहुत सारा खिंचाव हुआ। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल पेन या खाना खाने के बाद पेन। तो आज मैं पोस्ट प्रेंडियल पेन के बारे में बात करूंगा। नाउ जो डिस्कम्फर्ट है वो यहां से लेके ऊपर की तरफ रिप के मार्जिन तक आ सकता है। ये फुलनेस की फीलिंग हो सकती है या वास्तव में बहुत टाइट टाइट फीलिंग हो सकती है आपको। ये जो टाइटनेस है, ये बात ये बिल्कुल सही है कि कभी कभार सभी को होती है। अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो पेट में भारीपन होगा, आपने जल्दी जल्दी खा लिया तो पेट में भारीपन होगा, आपने कभी ऑयली फूड ले लिया तो पेट में भारीपन होगा। जो इस तरह का भारीपन कभी कभार होता है या पेट में टाइटनेस आ जाती है, इसे वास्तव में बीमारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो अगर ये कभी कभार की प्रॉब्लम है तो आपको पलट के देखने की जरूरत है कि आपने खाने में क्या गड़बड़ की एंड उसको एनालाइज करके उसको अलग करने की जरूरत है। लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंट हैं, यानी कि बार बार आते हैं या रोज होते हैं, अगर आपको बिल्कुल रेगुलर बेस पे होते हैं कि रोज आप खाते हैं और आपका पेट टनता है, रोज आप खाते हैं तो आपका पेट का दर्द होता है, रोज आप खाते हैं तो टाइटनेस हो जाती है, अगर ये रोज रोज की प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर इसके साथ में कोई भी एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, इन द सेंस कि इसके साथ में आपका जी मिचलाता है, अगर इसके साथ में बहुत सीवियर पेन आता है, इसके साथ में आपको वॉमिटिंग हो जाती है, अगर पेट के टाइटनेस के साथ एसोसिएटेड दूसरे सिम्टम्स भी हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये कभी कभी की प्रॉब्लम है तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ जब कॉमन काजेस की हम बात करें जिसके चलते पेट तन जाता है, भारीपन हो जाता है या इसमें दर्द आ जाता है, उनको ध्यान से देखिए। ये मेनली 8 कारण हैं जो मेन हैं। नंबर 1, अगर आप बहुत रफ्तार से खाना खाते हैं एंड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ईटिंग टू मच एंड टू फास्ट, तो ज्यादा भी खाया और बहुत रफ्तार से खाया, ये प्राइमरी एंड सबसे कॉमन रीजन है। नंबर 2 पर आता है फूड इंटॉलरेंसेस एंड फूड एलर्जी। जो खाने खाने में जो आप चीजें लेते हैं उनसे अगर एलर्जी है या इंटॉलरेंस है तो यह भारीपन, तनाव या टाइटनेस आएगी। इसके बाद आता है GERD या गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें एसिड ऊपर आ जाता है, उसके चलते पेट में दिक्कतें आती हैं। नंबर 4 पर आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS, जो वास्तव में फंक्शनल बाउल डिजीज की कैटेगरी में आता है, उससे यह प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आते हैं गॉल स्टोन डिजीज, यानी पित्त की थैली में पथरी, पेनक्रियाटाइटिस जिसे अग्नाशय भी कहते हैं, उसमें स्वेलिंग, पेप्टिक अल्सर इन गैस्ट्राइटिस। दीज आर दी कॉमन रीजंस जिसके बारे में एक एक करके हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। नाउ कुछ लेस कॉमन रीजंस हैं, इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जैसे एरोफेजी, इन द सेंस कि आपने बहुत रफ्तार से खाना खाया, उसके साथ में आपने एयर भी बहुत सारी स्वेलो कर ली, तो एयर बहुत सारी पेट में जाएगी तो पेट में दिक्कत होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट करता है तो भी आपको पेट में दिक्कत होगी। ऐसे ही इंटेस्टिनल इस्चीमिया है, जिसमें आपकी इंटेस्टिन में ब्लड की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी हेम्पर हो जाती है, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी। नंबर 4, अगर कोई ट्यूमर या कोई कैंसरस प्रोसेस खाने की थैली में डेवलप हुई तो ये हेवीनेस टाइटनेस आती है। नंबर 1, जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है ईटिंग टू मच और ईटिंग टू फास्ट। इसका मतलब एक बार में ज्यादा खाना खाया या बहुत तेजी से खाना खाया। नाउ ज्यादा खाने को ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखें कि आपके जो स्टमक है या खाने की थैली है उसकी कैपेसिटी है कितनी, उसकी कैपेसिटी टोटल जो है 1 से 2 कप के बराबर है, कि 2 कप जितना जो ना फूड होता है, दैट इज द कैपेसिटी जो स्टमक की होती है। लेकिन आप एक बार में कितना सारा खाते हैं, 10 कचौड़ियां खा जाते हैं, 4 समोसे खा जाते हैं, इतने सारी सब्जियां खा लेते हैं, तो एक्चुअली जब भी आप ज्यादा अमाउंट का फूड खाएंगे,
आप उसको ओवरशूट करेंगे तो आपकी जो खाने की जो थैली है उसकी जो अमाउंट है उसको ज्यादा मिलेगी तो ओवरशूट करेगी उसकी कैपेसिटी को। अगर मान लीजिए उसकी कैपेसिटी को ओवरशूट करेगी तो क्या होगा, खाने की थैली को स्ट्रेच करना पड़ेगा, खाने की थैली स्ट्रेच होगी क्योंकि जो आपने खाना खाया है ज्यादा उसके लिए जगह बनानी है। तो यह खाने की थैली जो स्ट्रेच होती है तो एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेच होगी तो पेन का सेंसेशन, टाइटनेस का सेंसेशन एंड हेवीनेस का सेंसेशन, ये तीनों सेंसेशन आएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें खाने की जो थैली की कैपेसिटी है वो करीब करीब एक से दो कप के बराबर है या एक मुट्ठी भर के बराबर है, लेकिन जब आप ओवरशूट करते हैं ज्यादा खाते हैं तो एक लिमिट तक तो स्टमक स्ट्रेच होता है, लेकिन इससे ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे तो पेन आएगा, टाइटनेस आएगी एंड भारीपन आएगा। नाउ अगर आप बहुत रफ्तार से खाना खाते हैं तो तीन प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। बहुत रफ्तार से आप खाना खाते हैं तो आप ओवर ईट करते हैं, अगर आप स्लो खाना खाते हैं आप हमेशा खाना कम खाएंगे, लेकिन आप बहुत रफ्तार से खाना खाएंगे तो आप खाना हमेशा ज्यादा खाएंगे, ओवरशूट करेंगे। नंबर टू, जब भी आप रफ्तार से बहुत तेजी से खाना खाएंगे तो खाने के साथ एयर भी स्वॉलो करेंगे, तो एरोफेजी होगी तो खाना तो पेट में जाएगा साथ में उसके साथ एयर भी जाएगी तो पेट ज्यादा ब्लोट होगा। और बहुत रफ्तार से आप खाना खाएंगे तो आपके पेट में तनाव तो आएगा और गैस भी बहुत ज्यादा बनेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें ये दो ही रीजंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर वन कि खाना एक बार में ज्यादा खाना या ओवर ईट करना या टू फास्ट या बहुत तेजी से खाना खाना, दीज आर द टू मोस्ट कॉमन रीजंस जिसके चलते पेट में भारीपन, पेट में तनाव, पेट में दर्द आता है। नो इस प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप जब खाना खाते हैं तो उसमें जो डिस्ट्रेक्शंस होते हैं उनको आप अलग करिए। आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, आप सबकॉन्शियसली ज्यादा खाते हैं, आप सबकॉन्शियसली तेजी से खाते हैं, आप पेपर पढ़ते हुए खाना खाते हैं, आप सबकॉन्शियसली ज्यादा खाते हैं, आप कुछ भी करते हैं जिसमें आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है तो आप ज्यादा खाना खाएंगे एंड दैट इज द रीजन फॉर द प्रॉब्लम। नाउ सेकंड इज कि आइडियली स्पीकिंग आपको अपनी टेबल पर खाना नहीं रखना चाहिए, आपको किचन में खाना रखना चाहिए, प्लेट से खाना लेकर आइए, टेबल पर बैठिए, खाना खाइए। ये जो इस तरह का मूवमेंट है ये आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा, अगर ये मूवमेंट आप करेंगे तो ओवर ईटिंग से बचेंगे। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा भी मानती हैं कि अगर आप खाने के बीच में जस्ट घूंट घूंट पानी लें, ज्यादा पानी नहीं, जस्ट सिप्स ऑफ वाटर लेते हैं तो आपका जो वाटर का इंटेक है उसके चलते आप ओवर ईट नहीं करते हैं, दैट्स नंबर वन। एंड नंबर टू, आप बहुत रफ्तार से नहीं खाना खा पाते हैं, तो अगर आप ये तीन काम करेंगे तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। इन द सेंस कि खाना खाते समय जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अलग करिए, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, मोबाइल हो, उनको अलग करिए। नंबर टू, जो आप अपना खाना है वो किचन से लेके आइए, टेबल पर खाइए, टेबल पर ही पूरा खाना मत रखिए। एंड नंबर तीन, खाने के बीच में सिप्स ऑफ वाटर लीजिए तो आपकी जो ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सब खत्म होगी। नंबर टू, जो आप बहुत फास्ट खाना खाते हैं वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको जब आप खाना खाते हैं तो आपको एडिक्वेट टाइम देना चाहिए फॉर च्यूइंग। हमें आदत है कि जस्ट एक बार, दो बार, तीन बार चबाया और उसको गल्प कर लिया। ये जो गल्प करने की आदत है ये पेट में तनाव लेके आती है, इंडाइजेशन पैदा करती है और पेट को तानती है, इसलिए आपको एडिक्वेट टाइम च्यूइंग के लिए देना चाहिए। आप ध्यान से देखिए कि आयुर्वेदा क्या कहता है, आयुर्वेदा कहता है कि आपको कोई भी जो ना आप बाइट लेते हैं उसको मिनिमम 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स आपको चबाना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, खाना खाने के बाद पेट में तनाव आना, खाना खाने के बाद पेट का खिंचाव महसूस होना, इन कभी कभार ऐसा लगना कि सब कुछ यही रखा हुआ है, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये जो कॉमन प्रॉब्लम है साइंटिफिकली इसे कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल डिस्कम्फर्ट या पोस्ट प्रेंडियल पेन या पोस्ट प्रेंडियल डिस्पेप्सिया। ये वास्तव में जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी हमारी खाने की हैबिट्स उनसे आती है, लेकिन बहुत सारी डिजीजेज हैं जो ये प्रॉब्लम लेके आती हैं। तो कभी कभार अगर ये प्रॉब्लम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज कमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आपके रीजंस को आपको पहचानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड उसके करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। अगर खाना खाने के बाद पेट में जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर बी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।